गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, भगवान शिव की जितनी शक्ति है, इसकी भक्ति से जितना लाभ राहत मिल सकती है, वो भी दर्शन से नहीं मंत्र से मिली। अब यहाँ उदाहरण आपको पूर्ण परमात्मा की भक्ति समझाने के लिए इन भगवानों के ही आपको दृष्टांत देने पड़ते हैं, क्योंकि उन परमात्माओं उस कबीर परमात्मा की महिमा से आप परिचित नहीं हो, उसके विषय में अगर कोई कथा सुनाते हैं तो मन निग्लेक्ट कर देता है कि यो किसने भगवान बना दिया। और श्री भगवान शिव जी को तो हम पूर्ण परमात्मा मानने बैठे हैं, इन्हीं की दृष्टिकोण से फिर आपका ये फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण देकर के पूर्ण परमात्मा को समझना और समझाना है। क्या होता है, एक बार पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके होते हैं और 108वां जन्म चल रहा है और वो रह रहकर भगवान शिव से ही शादी करती रहती है। शिव से शादी करती है, फिर अपना समय पूरा करके मनुष्य का फिर मर जाती है, फिर दोबारा जन्म लेती है। 107 जन्म देवी के हो चुके होते हैं, 108वें में भी वो भगवान शिव को ही जो है पत्नी रूप में, पति रूप में स्वीकार करती है। ये पिछली पुण्य कर्मों के कारण तो ये देव रूप देव पद इनको मिलता है, उसके कारण इस जीव के सैकड़ों भी 100, 150 भी, 200 भी जन्म मनुष्य के हो सकते हैं। यदि फिर साधना नहीं ठीक मिली तो 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। अब 107 जन्म दुर्गा उस देवी के हो चुके थे, 108वें जन्म में भगवान शिव से फिर पुनः विवाह हो चुका था। एक दिन नारद जी आ जाते हैं। नारद जी आए, देवी से मिले, उनसे कहा कि माता, भगवान शिव के पास एक अमर मंत्र है और वो मंत्र, वो भक्ति विधि अगर आपको बता दें तो आपके बार बार की जन्म मृत्यु जब तक भगवान शिव रहेंगे तब तक समाप्त हो सकती है। अभी ये बात उस पार्वती के समझ में नहीं आवे कि भाई नारद ऋषि जी ये बात आप कैसे कह रहे हो कि भगवान शंकर जी के पास एक ऐसी मंत्र है और मैं, मेरे को नहीं दिया उन्होंने और मैं मरती रहती हूं। तो नारद जी ने बताया कि आप मरते रहते हो और पुनः इनको ग्रहण करते हो, ये 107 आपके ही शीश हैं। भगवान शिव जी क्या करता था, वो बहुत प्यार करता था पार्वती से, या मर भी जाती थी देखता रहता था, कुछ नहीं कर सकता था। उस प्रेम में, उस भाव में उसके उस सिर ने कंकाल ने काट ले, उपराड़े खुर एक कटोरा सा इसका ऊपर इतना ये न्यारा उसने निकाल लेता था और उसमें पहचान रखने की खातिर उसके वहां सुराख करके और उसने टांग लेता था उसके शीश के कंकाल को, हड्डी को, और एक माला बना रखी थी 107। वो कभी गल में भी डाल देता था, उनको गले में भी डाल देता था और कई विशेषकर खूंटी पर टांग जाता था, घूमन फिर जाता था। अब पार्वती से भगवान शिव नारद जी कह रहे हैं कि देखो माता, ये आप ही के शीश हैं, ये 107 लटक रहे, ये आप ही के हैं, आप 107 बार मर चुकी हो, 108वीं बार आपका जन्म फिर है और भगवान शिव के पास एक मंत्र है जो आपको दे दें तो आपकी बार बार की जन्म मृत्यु का ये राड मिट सके है कुछ समय के लिए। आप जब उसने वो सारा सिस्टम देखा, सचमुच ये मेरे शीश हैं, फिर बड़ी प्रभावित हुई, कहने लगी भाई ये कैसे मानो कि भगवान शिव जी के पास मंत्र है और मुझे मरते हुए देख रहे होते हैं, उन्होंने मुझे ये मंत्र नहीं दिया। तब नारद जी ने कहा कि अभी तक आप इनको
पति मानते हो, केवल आप इनको एक पति मानते हो, परमात्मा नहीं मान रहे। आपने अभी तक याचना नहीं की, जैसे एक याचक एक अनमोल वस्तु मांगता है। आप अधीन भाव नहीं किया, आपने पत्नी वाला ही व्यवहार इनसे किया है। आप डांट भी लगा देती हो कभी कभी, लेकिन जब आप अधीन होकर इसे मांगोगे इन वस्तु, तब वो प्रसन्न होकर देंगे, तब वो आपको देंगे। यो कहकर नारद जी तो चले गए। अब पार्वती को कि नींद आराम होगी, हे भगवान ऐसे कैसे बात बनी, भगवान के पास ऐसा मंत्र, मैं मर जाती हूँ, ये तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, अगर मैं मरती हूँ और ये मुझे नहीं दे रहे हैं, तो इसके पीछे कोई अवश्य राज है। फिर कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखण में चला, बुरा न लिया कोई, जब मन खोजा आपना तय, हमसे बुरा ना कोई। अपने अंदर झांका जब देवी ने, क्या देखा कि मैंने ही, अवश्य मेरे में कोई त्रुटि रही होगी, नहीं तो भगवान नहीं छुपाते मेरे पे, मेरे से नहीं छुपाते इस अनमोल जड़ी को। जो ही भगवान शिव जी शाम को घर पे आए, चरणों में गिर गई, ऐसे रोती है जैसे बालक रोया करे। भगवान शंकर ने पूछा, देवी किसने क्या कह दिया, मुझे एक बार बता दे तू, किसने तुझे सता दिया, तू आज दुखी क्यों है, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा हूं मैं। तो वो कहती है कि भगवान आपके रहते मुझे कौन क्या कह सकता है, लेकिन मेरे से अवश्य कोई त्रुटि रही है, जिस कारण आपने मुझे एक अनमोल वस्तु से वंचित रखा है। हे प्रभु, आपके पास अमर मंत्र है और आपने मुझे नहीं दिया, मेरे मालिक अवश्य मेरे में कोई त्रुटि रही होगी। ए दाता, मैं तो एक बालक थी आपके सामने, हमसे गलती होगी होगी, मुझे क्षमा कर दे, भोला बालक बोली बाली का समझ के मुझे मुझसे कोई गलती अवश्य हुई होगी, जो आपने ऐसे अनमोल चीज मुझे नहीं प्रदान किया। आपके पास एक अमर मंत्र है और मैं मरती रही, आप मुझे देखते रहे, क्या आपका दिल दुखी नहीं हुआ। भगवान शिव जी ने कहा कि पार्वती, ये तेरे बुद्धि के लेवल की बात को ना, ये तेरी बुद्धि तो यहां तक जा नहीं सके थी, को विधा को उपदेशी मिला विदाता, हमसे गौरी कह निजाता, तुझे कौन ऐसा भगवान व्यक्ति मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी, जिसने आज तेरे अंदर ये विवेक पैदा कर दिया, ऐसा कौन पुण्यात्मा तुझे मिल गया जो तेरी बुद्धि इस तरफ डाइवर्ट कर दी ना, तो आप तो कदे मैं जिक्र करता था प्रभु का तो सुनती भी नहीं थी, और कहती थी मुझे मेरे भगवान मुझे मिल गए, सारी दुनिया आपको पूज रही है, मैं किसको पूजूं, मेरा तो पति हो आप। तब तो उसने समझा कि भगवान कोई और है, उसकी भक्ति से ही आपका कल्याण होगा, और वो मंत्र मेरे पास है, मैं आपका गुरु हूं, और जब तू मुझे एज ए जो ना गुरु माने, शिष्य रूप में तू रहे और इस मंत्र का जाप करेगी तो तेरा कल्याण हो सकता है। और रही बात कि मैं तुझे नहीं प्यार करता था तो मरती थी, मैं कितना दुखी होता था, लेकिन पार्वती ये मंत्र ऐसे देने का नहीं है, जैसे एक सीप होती है समुद्र में जिसमें मोती बनता है, वो क्या करती है कि समुद्र में रहती है एक जीव होता है, और जैसे शंख, शंख आपने देखे होंगे, ऐसे इस तरह की एक डिबिया सी होती है, और वो इतनी सख्त उसका ऊपर का कवर बॉडी का होता शरीर का, और उसमें एक जीव होता है और वो समुद्र से बाहर आती है ऊपरली सतह पर, उसमें उसको प्यास लगी होती है, अगर ऊपर से कोई बारिश आ जाती है, एक बूंद भी अगर उसके मुंह में खुले मुंह में गिर जाती है तो वो बंद कर देती है, उससे मोती बन जाता है, और वो ऊपर आई हुई है, सीप का मुंह बंद है और ऊपर से सारा सामान बरस जावे, उससे कुछ नहीं होना, वो मोती नहीं बन सकता। उसके अंदर वो जो जिज्ञासा अंदर से उत्पन्न होती है, आवश्यकता महसूस करती है, तो उस गर्मी चीज समुद्र में उत्पन्न होती है, तो वो ऊपर आके एक पानी की बूंद की तलाश तड़प करती है, उस दौरान अगर कोई बूंद उसके मुंह में डल जाती है, वो बंद कर देती है, फिर मोती बना लेती है।
और मुंह बंद रहता है तो सारा सामान बरस जावे, उसमें कुछ होने वाला नहीं। तो पार्वती, अब तेरे अंतःकरण का मुख अभी तक बंद था और मैं कितना ही ज्ञान बरसा देता तेरे कति असर नहीं होता। ये मंत्र तो कति मैं सुना भी देता तो भी तुझे प्रभावित नहीं कर सकता था, तेरे ऊपर ये असर नहीं करता। आज तेरे अंतःकरण रूपी सीप का मुंह खुल गया। ये कोई उद्धव ने बताया कि मुझे नारद जी मिले थे, कहा कि नारद जी ने अब तेरी बुद्धि बदल दी, तेरे अंदर वह तड़प पैदा कर दी उसे उस स्वाति बूंद को प्राप्त करने की। अब तेरा अंतःकरण खुला है, अब जो मंत्र मैं दूंगा ये पूर्ण काम करेगा। और बात रही कि मैं आपसे आपके मृत्यु के उपरांत मैं दुखी नहीं होता हूंगा। एक समय आप राजा दक्ष के घर पे, अपने पिता के घर, पूर्व पिता के घर पे, और हवन कुंड में जलकर मर गई थी। उस समय में आपके कंकाल को लेकर, शेष बची हुई अस्थियों को लेकर के सीने से लगाए फिर था, और 10,000 वर्ष तक खाना ना पीना पागलों की तरह तेरे प्रेम में इसको ठाए फिरा करता, पार्वती पार्वती करके। और फिर भगवान विष्णु ने वो कंकाल तेरे वो तोड़ा था, उसका कंकाल का सुदर्शन चक्र था, नैन पड़ी वहां नैना देवी, दड़ पड़ी वहां वैष्णो देवी, आज भी प्रमाण है वो इतिहास। जब वो उसकी समझ में आई सचमुच ये तो मेरी ही त्रुटि थी, तब तो भगवान ने कहा था कि ऐसी तड़प तूने कभी पैदा ही नहीं की थी, मैंने बहुत समझाने की चेष्टा की, बहुत कथा सुनाना चाहता था, लेकिन तेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी थी। अब चल पार्वती, अब चल गौरी, अब नाम दूंगा तेरे ऊपर पूर्ण असर करेगा। एकांत स्थान पर जहां पर अभी अमरनाथ का मंदिर बना हुआ है, पुण्यात्मा हो आप, बुद्धिजीवी हो, मेहर की है दाता ने, ऐसे समय पर तत्व ज्ञान की वर्षा प्रारंभ की है कि सब बहन बेटी भाई बुजुर्ग नौजवान बच्चे शिक्षित हैं, और जो दंत कथाएं हम सुना करते वो अपने अंदर पहले माल भरा हुआ है, उससे तुलना करके उनको रिजेक्ट अपने आप कर देगी बुद्धि, ये घनीकरण की आवश्यकता नहीं। जैसे श्याम को आपको कथा सुनाई थी कि स्वयं लाल और लालड़ी की आप स्वयं प्रकरण लगोगे, फिर आप उससे हृदय हट जाएगा, लाल और लाडली का फिर पहचान हो जाएगी, ये मन आप ही रिजेक्ट कर देगा, रुचि ही नहीं बन सकती चाहे को कितनी बात बनावे। और जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं है तब तक हम भरमते भटकते फिर ही रहे थे और जीवन व्यर्थ होता रहता था। तो वहां भगवान शिव ने एकांत स्थान देखा और वहां पार्वती से एक आसन बिछा कर कपड़ा बिछा लिया, जैसे बैठन खातर बिछाए लें कि तब बैठ जाओ, और कहा बैठ जा पार्वती, अब मैं तुझे कथा सुनाता हूं। क्योंकि जैसे पहले हम चेतावनी की 2-4-10 लाइन सुनाते हैं तो उससे क्या होता है कि आत्मा में एक गर्मी पैदा होती है, आत्मा परमात्मा की मेल्ट होती है, पिघल जाती है, और फिर उसमें जो करड़ापन से वो दूर हो जाता है, फिर परमात्मा की कथा को ये प्यार से सुनता है। तो इस प्रकार वो किया जाता है। तो पहले परमात्मा की अमर कथा सुनाई, प्रभु ये करता है, परमात्मा जैसा इनको ज्ञान है वो प्रभु के महिमा सुनाई, फिर उसके बाद उसको पाने का मंत्र सुनाया कि मूल कमल में गणेश का वासा, और नाभि कमल, फिर स्वाद चक्र में ब्रह्मा का, नाभि कमल में विष्णु जी, हृदय कमल में शिव। इस हृदय कमल में ये शिव नहीं रहता, इनका पिता है जो महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है, वो हृदय कमल में महादेव देव सती पार्वती संग है, और वो आपको नाम देते हैं, ये नाम जपो उसका, इसके इसको खुलने का, इनका ऋण उतारने का। कंठ कमल में दुर्गा का वास है, इसका ये जाप है, फिर धीरे धीरे त्रिकुटी पर पहुंच गई। जब इससे ऊपर ये आत्मा पहुंच जाती, पहुंच गई ऊपर, देखा क्योंकि वो दोनों पुण्यात्मा थी, उनको शिखर और भगवान शिव भी यानी आंखें समर्थ हैं जितनी न शक्ति है, पार्वती भी पुण्यात्मा थी पिछले संस्कार थे, उनमें शीघ्र ही वो वृत्ति उसकी वहां पहुंचती गई। हाँ, ऐसे करते करते और वो ऊपर को समाधिस्थ होगी, यानी इससे ऊपर जाने के बाद आवाज बंद होगी। फिर कहते हैं कि देखो वहां त्रिकुटी है, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो उधर से क्या है, एक तोता, एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे,
उसी वृक्ष के सूखे वृक्ष की खोगड़ में एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठे थे कि कोई पक्षी भी आके हमारे वचनों को ना सुन ले, इस मंत्र को ना सुन ले। ये मंत्र इसलिए गुप्त रखा जाता है कि अनधिकारी के जो हाथ लग जाए वो भी साधना कर लेता है तो वो सिद्धि प्राप्त करके दूसरों को दुखी करता था, इसलिए इसको गुप्त रखा जाता है। तो भगवान शिव की जो कथा सुनी उस समय, उस भगवान शिव ने जब पार्वती को वहां बैठाया उससे पहले तीन ताड़ी बजाई थी ऐसे हाथ से, इतना जोर भयंकर नाद हुआ था, इतनी भयंकर आवाज हुई थी, आसपास के पशु और पक्षी बहुत दूर भाग गए थे और जो आसपास के घोंसलों में अंडे थे वो भी बच्चे बनकर उड़ गए थे। उस सूखे वृक्ष की खोगड़ में, उस सूखे वृक्ष की खोगड़ में एक तोते, मादा तोते ने अंडे दे रखे थे, वो जो स्वस्थ अंडे थे वो तो उड़ गए थे और ये एक गंदा अंडा था और वो उसमें रह गया था। अपने आत्माओं ये तत्व ज्ञान है, ये बहुत दिन में समझ में आएगा, समझ में आने के बाद फिर सारा काम सीधा हो जाएगा। जैसे ये क्या करते हैं, अस्थियां चुगते हैं, अस्थियां मरने के बाद, मृत्यु के उपरांत शमशान घाट पर सभा कर देते हैं और उसके बाद फिर बचे खुचे उन हाड़ों को उठाकर दरिया में डालने जाते हैं, गंगा में। उसका क्या उद्देश्य है कि ये जीव जो है इस शरीर में रहता है, इसका एक बहुत ज्यादा मोह बन जाता है, इसके जलाने के बाद भी ये भूत बनकर उसके चारों तरफ घूमता रहता है और उन शेष बची अस्थियों को ये अपनी मानकर उनके ऊपर चिपका रहता है, ये मेरी है, ये काल का बहुत भयंकर जाल है। तो उसको उठा के इसलिए दरिया में डाल देते हैं कि इसकी पहुंच से बाहर हो जा और यो कित और धक्के खाए जा, यहां से भाग जा यो भूत, अपना पिता है, माँ है, भाई, बहन, जो भी बन गया। उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है उसका कि ये यहाँ रहेगा तो कभी घर में भी आ जाएगा, आओगा तो कभी 19-21 करेगा, तो इसका टंटा कट जाइए कित, इसको ऐसी जगह पटक दे गंगा में, पता ना लगे कित गए इसके अस्थियां। उद्देश्य तो केवल इतना था, क्योंकि पहले तो गलत साधना देकर भूत बनवाओ ये नकली संत, और फिर वो दुखी करा जब यूं कह के ऐसा करा करो ये, क्योंकि इनको ज्ञान था, ऐसा ज्ञान तो था लेकिन विधि नहीं थी, इनके पास अधिकार नहीं था नाम देने का, इसलिए मनमुखी संत आप पर नाम देने लगे। ज्ञान तो वो पहले वेदों वाला बताते रहे लेकिन उनसे लाभ किसी को होया नहीं, फिर वो भूत बन गए, भूतों से पीछा छुटवाने के तरीके फिर बताए, श्राद्ध में काल दो राजी हो जाएंगे, मंडी मना दो दुखी ना करेंगे, फूल उठा कर वहां डाल दो गंगा में, ये तुम नसीहत है को नहीं, वहां धक्के खाते फिरे जाएंगे। तो ऐसे इस जीव की वृत्ति काल ने बांध रखी है, यहां उसी में आस्था बना देता है, अपना मान बैठता है। तो ऐसे संस्कारवश सुखदेव जी ऋषि जो थे उनकी आत्मा उस गंदे अंडे का संस्कार था और उस गंदे अंडा भी मैं आई और वो भी गंदा हो गया तोते का, तो उसके बाद भी वो आत्मा उस गंदे अंडे के चिपकी रहती है जब तक वो मिट्टी ना बन जाता, जो खत्म ना हो जाता, गल पल नहीं जाता कति, तो वो आत्मा चिपकी हुई थी उसके। उधर से भगवान ने वो कथा सुनाई, भगवान शिव की कथा से, उनके वचनों से वो अंडा स्वस्थ हो गया। अंडा स्वस्थ हो गया तो उसमें बच्चा बन गया, बच्चा बनकर हुंकार भणन भरने लग गया। जब पार्वती सो गई है यानी उसकी समाधिस्थ हो गई है और बोल हुंकार अभी चल रहे हैं, तो भगवान शिव ने देखा कि ये तो अचेत हो चुकी है, ये तो यहाँ बाह्य संसारिक भावना से दूर होगी है, ये बोल कौन रहा है। तब देखा कि उसमें एक तोता बोल रहा था उस सूखे वृक्ष के एक सुराख में। जब भगवान ने सोचा इसने मेरा ज्ञान चुरा लिया, इसको मार देता हूं, उसको मारने के लिए उठा तो तोता उड़कर भाग दिया, भगवान पीछे पीछे सिद्धि से उड़ के चल पड़े, तोता आगे भाग दिया। व्यास ऋषि की पत्नी ने जमाई ली वो तोते के शरीर में छोड़कर वो आत्मा और व्यास जी के पत्नी के गर्भ में चली गई। अब भगवान शिव जी वहां पहुंचा तो वहां उनकी पत्नी से कहने लगा कि तेरे गर्भ में मेरा ज्ञान का चोर आया है, इसको मारूंगा। व्यास जी कहने लगे, हे भगवान क्या क्या बात है, क्या माजरा है, बताइए जरा।
सारी कहानी बताई कि ये इस तोते ने सब तो बाहर पड़ा था, इस तोते ने मेरा अमर ज्ञान सुन लिया, ये अमर हो गया, इसको मारूंगा, ये इसका दुरुपयोग कर सकता है, इस जीव को खत्म करूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा कि भोलेनाथ एक तरफ तो कह रहे हो कि ये अमर हो गया आपकी अमर कथा सुनकर, फिर मारेगा क्यों कर, मारेगा कैसे इसको, ये तो अमर हो गया आप ही कह रहे हो। तो फिर भगवान वापस चले गए। अब थोड़ी सी सुखदेव ऋषि की कथा और सुना करके फिर सुनाते हैं कि 12 वर्ष तक सुखदेव जी वो गंदे अंडे से इम्प्रूव्ड। अब देखो हर एक चीज में शक्ति होती है, जैसे ये कथा आपको सुनाई जाती है, परमात्मा की ये कथा है और सुनाने वाला पूर्ण है, इससे भी आपके शरीर पर असर होता है, आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। ये कथा को गलत नहीं होती सुनाना, ये जो कथाएं सुनाते हैं ये अच्छी होती हैं, लेकिन सुनाने वाला अधिकारी हो, अनधिकारी से ये काम करे कोई नहीं। अब जैसे राजा परीक्षित को सातवें दिन सर्प ने डसना था, उसमें ये निष्कर्ष निकाला गया मैं ऋषियों के द्वारा कि इसको सात दिन ये श्री भागवत श्रीमद भागवत सुधा सागर ये सुनाई जाए, इसका ध्यान यहां संसारिक लोगों से हटके और प्रभु में लग जाए इस कथा के, और ताकि इसका यहां पर मोह ना रहे, मोह ना रहेगा तो ये यहां से फिर स्वर्ग चला जाएगा, ये स्वर्ग से ज्यादा नहीं कर सकते कोई प्रबंध, यहां तक पहुंचे नहीं, लेकिन स्वर्ग तक और सत कथा सुनाकर उसका यहां से मन हटाने के लिए भी अधिकारी की आवश्यकता पड़ी कि कथा सुनाने वाला कोई अधिकारी ऋषि हो। वेद व्यास जी जो राइटर थे श्रीमद भागवत सुधा सागर के, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी मैं कथा सुना दूं और इस राजा परिस्थिति का कल्याण कर दूं। वहां के जितने भी उसमें ऋषि थे सबने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि सातवें दिन रिजल्ट आना था और उसकी पोल खुल जानी थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी मैं कथा कर दूं और इस प्यारी आत्मा का मैं शिष्य गुरु बन जाऊं, उसको उपदेश दूं, उपदेश देगा फिर कथा सुना के यहां से पार कर दूं। कहते स्वर्ग से इसी सुखदेव को बुला गया, यही सुखदेव जी को मैं स्वर्ग से बुला गया, ये आगे चल के महापुरुष हुए, ये जो तोते गंदे अंडे से बने थे शिव जी की उस कथा सुनते ये गंदा अंडा ठीक हो गया था। तो सुखदेव ऋषि ने आकर फिर विमान में बैठ कर आए और उसका किराया लगाया इसने, परीक्षित के ही पुण्य कर्मों से किराया मिला स्वर्ग से यहां तक आने का, इसकी पुण्य कमाई स्वर्ग में थी, क्योंकि ये राजा लोग बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, इनके शेष मनुष्य जीवन भी थे, इनकी पिछली पुण्य कमाई वहां डिपॉजिट थी उसमें से दी गई, और राजा सुखदेव ने सिर्फ इतना काम किया कि इसकी वृत्ति यहां से हटा दी और उससे वो स्वर्ग चला गया, क्योंकि उसके पिछले पुण्य और शेष थे जिस कारण वो स्वर्ग जा सकता था कुछ समय के लिए। वर्तमान में भी उन्होंने गुरु बना रखे थे, जैसे श्री कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे, उसके बाद श्री कृष्ण जी के जाने के काफी वर्ष के बाद ये अपने मनमुखी लोग हो जाते हैं, नाम कट जाते हैं तो फिर वो रह जाते हैं, उनको फिर दोबारा जोड़ने के लिए सुखदेव ऋषि गुरु रूप में आए और नाम दिया किसको, राजा परीक्षित को, फिर कथा सुनाई और फिर स्वर्ग तक पहुंचाया, सिर्फ स्वर्ग तक। उसके बाद वहां जाने के बाद भी परीक्षित अपने पुण्य भोग कर फिर दोबारा नरक में और 84 लाख योनियों में जाना ही जाना, परंतु इतनी भी जो राहत यहाँ की मिल सकती है वो भी अधिकारी बिना, ना तो कथा का लाभ मिलना और न ही वहां तक स्वर्ग तक का ज्ञात राजा परीक्षित था उसका। और आज वर्तमान में देख लो क्षमता की कमी नहीं, क्यों ये भगवान से डरते नहीं, ये अनजान है, बालक है, इनको अपज्ञान नहीं, तो बिजली के तार को छूने जा रहे हैं और दुनिया को गुमराह करके मां पापी बन रहे हो, इनको स्वयं ज्ञान नहीं, क्योंकि नादान व्यक्ति ऐसी गलत कर सकता है, संविधान तोड़ सकता है, समझदार व्यक्ति कभी नहीं करेगा। तो उधर सुखदेव ऋषि 12 वर्ष तक, क्योंकि मां के गर्भ में जाने के बाद उसको अपने सब जन्मों के दुख और सुखों का याद रहता है, तो बाहर नहीं आ रहा था, उसको पता था कि बाहर आते ही ब्रह्मा विष्णु महेश के ये 3 इंजेक्शन लगते हैं आत्मा के, रजगुण का, सतगुण का, तमगुण का, और ये तीनों बेहोश कर देते हैं बाहर आते। बाहर नहीं आया, 12 वर्ष बीत गए, ब्रह्मा विष्णु महेश को चिंता हुई कि ये तो संविधान टूट जाएगा, 12 वर्ष तक माताएं कैसे गर्भ में रखेंगी बच्चों को, ये तो 9 महीने में तंग हो जाती हैं,
ये संविधान बदल गया, ये हमारी जो ना क्रिया बदल जाती है, हमारी मर्यादा को ये भंग कर रहा है। तो तीनों देवता आके व्यास जी की पत्नी के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपके गर्भ में एक आत्मा है, उससे हम दो बात करेंगे। अब वेद व्यास जी की पत्नी कहती है कि मुझे तो मालूम नहीं, ये तो बहुत ही मुझे पता ही नहीं कि गर्भ में कोई बालक है मेरे। तब अंदर से सुखदेव बोला, सुखदेव ने कहा कि मैं जब बाहर आऊंगा भगवान, आप अपनी माया को रोक लो, बाहर आते आप अंधा कर देते हो, जीव को कुछ भी याद नहीं रहता भगवान, मैं बाहर आऊंगा नहीं जब तक, मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक आप अपनी माया नहीं रोकोगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे वही देख, हम कैसे रोके माया, तो संविधान भी बदल जाता है क्योंकि इनके ऊपर भी दबाव है ज्योत निरंजन का। तो इन्होंने आखिर में ये निर्णय लिया भी एक हम थोड़ी सी देर रोकेंगे, जरा सी बिल्कुल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड समझ लेना सुखदेव, इससे ज्यादा हमारी हिम्मत नहीं, इसने रोक सके माया ने अपने अपने को हम नहीं रोक सकते। तो उन्होंने कहा भी ठीक है आप इतनी देर रोक दो, मतलब बहुत ही फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में ही वो बाहर आ गया, मां के गर्भ से बाहर आया और 12 वर्ष की उम्र का शरीर हो गया। क्योंकि अंदर जो शरीर कुछ तो ये सिद्धि आ जाती है इन कथाओं के करने से भी सुनने से भी, और एक परम संत से कोई मंत्र आपको मिल गया उसका एक दो बार भी अभ्यास करने से, ये कई कारण होते हैं, वो जल्दी बैटरी चार्ज होते हैं। जैसे एक तो बैटरी घनी डिस्चार्ज हो रही हो और एक थोड़ी सी डिस्चार्ज हुई हो, थोड़ी बहुत होगी और जल्दी चार्ज हो जाती है, कुछ समय वो फिर भी काम चला देती है। ऐसे ही सुखदेव ऋषि बहुत जन्म जन्म मंत्र के पुण्य थे उसके साथ में, लेकिन संस्कार वश वो 84 लाख योनियां भी भोग रहा था, उसके बाद भी उसके पुण्य शेष बहुत थे और वो हमारे अंतःकरण में फीड होते हैं। एक कॉपी हमारे साथ ला रखी है भगवान ने, एक धर्मराज को दे रखी है भगवान, गणेश शर्मा दर्द नहीं करता, उसने आपके यहाँ अंतःकरण अपने आपके अंतःकरण में एक बिल्कोड वर्डो में पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप दोनों फिट कर रखे। अब वो जब तक परम संत नहीं मिलेगा वो जो का तो आप रोबोट की तरह चलोगे, और परम संत मिल जाएगा फिर उनमें चेंज कर दिए जाते हैं, फिर उसके अनुसार ही चलना है। वो उसने नियम बना रखा है, उसका विधि बता रखी है। तो उसमें कुछ सिद्धि आ गई, उस सिद्धि से एक सिद्धि लघु, एक सिद्धि गुप्त छपावे, एक सिद्धि लघु और दीर्घ हो जावे, छोटा बन जा और बहुत बड़ा हो जा। माँ के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष वाले शरीर का मनुष्य जैसा बालक जितना शरीर हो गया, अपनी ओर नाल न उठाकर कंधे पर अपना चल पड़ा वहां से। और व्यास वो तीनों देवता से ले गए। व्यास जी ने कहा बेटा पुत्र पुत्र एक बार दर्शन तो दे, तेरी 12 वर्ष इंतजार करी मैंने। बोला नहीं सुखदेव, वो भी नहीं करा मात पिता की तरफ, और पीछे से कहता है कि ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया, ये तो बूढ़ी बीमारी है। अब इसलिए मुंह नहीं करना चाहता था कदे मात पिता के अंदर मेरी मोह बन जावे और या फिर भक्ति रह जावे, इसलिए मैं तेरे दर्शन नहीं करूं ऋषि जी, प्रणाम अपनी, यूं कह का आकाश में उड़ गया। आगे जाकर आप अपनी ओर नाल काट पीट के अपना कपड़े कुपड़े जैसे भी केले के पत्ते वगैरह लेकर के अपने फिर साधना शुरू कर दी। अब वो अंडी पा किया, अब यहाँ इसको यही छोड़ते हैं सुखदेव की कथा को, फिर आते हैं पार्वती जी की। तो वहां पार्वती जी को वापस आकर उठाया वहां साधना से, फिर उसको बताया कि जाप करा कर डट कर भगवान का ये साधना करती रहे, अंतिम श्वास तक ये मंत्र करते रहना होगा। ये 5 नाम दिए थे पार्वती को भगवान ने, जो आपको हम देते हैं, मूल कमल गणेश जी वाला, और फिर स्वाद चक्र वाला ब्रह्मा और सावित्री का, लक्ष्मी और विष्णु जी का, पार्वती और शिव जी का, दुर्गा का, ये 5 नाम दुर्गा को मिले थे और यही 5 नाम आपको दिए जाते हैं इन, और साथ में ये 2 मंत्र और मिला दिए जाते हैं, जिससे हमने यहाँ की अमृतव नहीं चाहिए,
हमने यहां से केवल इनका ऋण मुक्त होकर यहां से पीछा छुटवाना है, और ये दो मंत्र साथ मिलने के बाद ये यहां का जो प्रभाव इन पांचों मंत्रों का ये हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। जैसे कई दवाइयों के अंदर विष मिलाया जाता है और उन दवाइयों के प्रभाव से विष भी निष्क्रिय हो जाता है, ये दो मंत्र जो हैं हमें यहाँ के जो प्रभुता यहाँ की जो सुख इनके बेनिफिट जो मिलना यानी चाहिए, हमने तो इनका करण उतारना है और जब तक यहाँ रहे हमारी रोजी रोटी यानी यहाँ की सुविधा इन पांच मंत्रों से मिलती रहे, ये ताकि हमारा वो श्वास का मंत्र की पूंजी यहाँ समाप्त ना हुए जो जेब खर्चन्यारा दे रखा भगवान। तो हम ये तो प्रयोग ऐसे करेंगे तो जहां इन भगवानों की इन ऋषियों की महर्षियों की भक्ति अंतिम बंद होती है समाप्त होती है हमारी वहां से प्रारंभ होती है, परमात्मा की जो सत साधना वहां से शुरू होती है। ये इन पांच मंत्रों से प्रारंभ करते हैं, ये ओम नाम पर समाप्त कर देते हैं, हमारी ओम से प्रारंभ है और सत्य नाम पर उस सत्सार नाम पर समाप्त होती है। तो जहां पर वो पार्वती जी को उपदेश मिला था, वो अमर मंत्र मिला था यादगार बनाए रखने के लिए, वहां शेष व्यक्तियों ने एक स्थान सिलेक्ट कर ली कि यहाँ भगवान ने पार्वती जी को अमर नाम दिया था, और अब उसको देखने जाते हैं वो कितने नादान है। जैसे हम ये दास पहले सत्संग करने जाते थे नगर नगर में गांव बाहर, तो वहां एक ईंटों की भट्टी बनाते थे पहले, और वहां हलवा खीर भगवान का प्रसाद भोग भंडारा चलता था, सत्संग करके हम चले जाते थे, वह भट्टी रह जाती थी वहां पर, और फिर बाद में उस नगर के लोग जाके देखने जावे कि आजा तुझे दिखा कर लाऊं जहां सत्संग हुआ करता, संत आए थे यहाँ सत्संग करते थे, देख यहाँ जलेबी उतरा करती, यहाँ खीर बनी थी, ये यहाँ पर हलवा बनता था, इस भट्टी पे बेड़ा पार हो जाए दिखा के जाऊं। तो उस भट्टी को देखने मात्र से जाने मात्र से ये तो हो गया कि यहाँ सत्संग होया था और यहाँ संत जी उपदेश भी देते थे कथा भी करते थे, लेकिन उस भट्टी देखने पे ना तो नाम मिले, ना वो हलवा मिले, ना खीर मिले, ना कोई प्रसाद मिले, वो सूखे गले यानी व्यर्थ का प्रयत्न है। ऐसे वो अमरनाथ का जो धाम रूपी भट्टी है उस यादगार को देखने मात्र से ये तो ज्ञान हो जाएगा कि सचमुच ये कथा घटी थी और ये सच है, इससे ज्यादा लाभ वहां जाने का किसी को कुछ नहीं। वो तो वही मंत्र जो पार्वती जी को प्राप्त हुआ था, ऐसा एक सफर संत हमें मिले, वो चाहे चलता चलता सड़क पर नाम दे दे तेरे लिए, वही अमरनाथ है, जब आपका बताओ छुटकारा होगा। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं गुरुवां गांव बिगाड़े संतो गुरुवां गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का दा ये फिर गड़न नहीं जा रहे। अब इस प्रकार पार्वती जी को उतना राहत मिला जितना भगवान शिव दे सकता है। अब भगवान शिव की मृत्यु होगी तब तक पार्वती की मृत्यु नहीं होगी, अगर ये नाम जाप करती रही तो, और जिस दिन गफलत कर देगी या फिर बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि अंतिम श्वास तक भक्ति करते रहना होगा। जैसे गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि जो अंतिम श्वास तक तजन देहम ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम तजन देहम सांस अंतिम शरीर छोड़ने ताई मेरे ओम नाम का जाप करता रहेगा तो मेरे से मिलने वाली वो राहत वो परम गतिकारी हो जाएगी। और उस परमात्मा की भक्ति करोगे तो संत से प्राप्त करके वो भी नाम जाप करते करते अंत समय में उसी के ही ध्यान सिमरण में श्री त्यागोगे, जहां आशा तां बासा होई मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब क्या कैसे मृत्यु होगी भगवान शिव की, सात ब्रह्मा मर जाएंगे तब एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, सात रजोगुण ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत एक भगवान सतोगुण शिव जी विष्णु जी की मृत्यु होती है, और सात सतोगुण विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक तमोगुण शिव की मृत्यु होती है। एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? अब देखो गीता जी को ना समझ कर अनजानों ने कितना बात बिगाड़ रखी है। गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक से लेकर
पर्यंत ये सारे लोक नाशवान है। और सातवें में लिखा है, सत्रहवें आठवें जाके सत्रहवें श्लोक में लिखा है कि उस ब्रह्मण, ब्रह्मण माने ब्रह्मण यानी पूर्ण ब्रह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म से नेक्स्ट, यानी उससे कोई और सुप्रीम परमात्मा है। आठवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में लिखा कि अब्रह्म भूनाद लोका पुनर्वर्तिना अर्जुन माम उपेते तो कौनते पुनर्जन्म न विदते। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें सोलहवें श्लोक में एक दो बात लिखी है कि ब्रह्म लोक तक ये सारे नाशवान हैं, सब लोक नष्ट हो जाते हैं, दोबारा पुनर्वर्ती में हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं, ब्रह्म लोक तक पहुंचे हुए प्राणी। और आगे लिखा है कि माम उपेत तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। इन्होंने इसका अर्थ क्या किया है कि लेकिन किंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थ ये गलत कर दिया उन्होंने। जब ब्रह्म लोक में ब्रह्म रहे और ब्रह्म लोक तक नाशवान है, फिर शेष कह रहा इसका अर्थ है कि मुझे प्राप्त होकर भी जो न विद्यते, विद्य माने जानना, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्म लोक तक भी नाशवान है, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका जन्म और मृत्यु होता रहता है। इन्होंने इसका उल्ट कर दिया कि मुझे प्राप्त होकर फिर किसी उनका जन्म मर नहीं होता, जबकि भगवान खुद कहते हैं चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो रही है तू नहीं जानता, दूसरे अध्याय के सत्रहवें श्लोक में दूसरे बारहवें श्लोक में कहता है कि तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, और सत्रहवें श्लोक में दूसरे अध्याय के में कहा है कि वास्तव में अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं और जिसे सब संसार व्याप्त है, सोच का प्रमाण दे रखा है। तो यहां इन्होंने लिखा कि ब्रह्म लोक तक ये सभी नाशवान है और मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में है, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्म लोक तक नाश ये सब नाश नष्ट होते हैं, जो ये न जानते विद्यते, विद्यते माने नहीं जानते, इन्होंने लिख दिया कि फिर नहीं विद्यते माने नहीं होते, नहीं जो ये नहीं जानते माम उपेत तू कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर, उपेत माने प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु है, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्म लोक तक भी नाशवान है। फिर सत्रहवें श्लोक में क्या कहा है कि सेंसर युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणे विदु रात्रिम युग सहस्त्रानाम अंताम अंताम ते अहो रात्र विद जना। अब देख कितना इसमें यहीं से सारी बात अलग हो जाती है। ब्रह्मा का इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया, नहीं ये परब्रह्म का है, ये ब्रह्मण माने ब्रह्म से बड़ी शक्ति, ब्रह्म से जो शक्ति अलग जो शक्ति है और उससे सुप्रीम पावर है, उससे नेक्स्ट जो साधक भगवान है उसको ब्रह्मण कहते हैं ब्रह्मण। और ये फिर स्थिति अनुसार भी होता है। यहां लिखा कि ब्रह्मण यत जो ब्रह्म इन्होंने ब्रह्मा का कह दिया, नहीं परब्रह्म का जो एक दिन है उसको एक सेंसर युग पर्यंतम इन्होंने लिखा कि 1000 चतुर युग की अवधि वाला, नहीं इसमें सेंसर चतुर युग नहीं है, केवल सेंसर युग है। सेंसर युग का अर्थ होता है 1000 युग की, और इतनी रात्रि जान 1000 युग का ही रात्रि होती है, जो पुरुष तत्व से जानता है वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले। स्पष्ट कर दिया कि जो परब्रह्म का ये परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता है, 1000 युग का चतुर्युग नहीं है, ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, ब्रह्म का एक परब्रह्म का 1000 युग का होता है, उसका युग बहुत लंबा चौड़ा है, पर ब्रह्मा का बताते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, वैसे तो 1008 चतुर्युग है, पर इतने लंबे काउंटिंग में 8 को छोड़ देते हैं, लमसम 1000 चतुर्युग लेते हैं, 1000 चतुर्युग लेते हैं। 72 इंद्र जो है इसके एक दिन में अपना शासन पूरा करते हैं, एक इंद्र की का शासन काल 72 चतुर्युग होता है,
और 14 इंद्र बेहतर नहीं, 14 इंद्र उसमें शासन काल पूरा कर जाते हैं। बेहतर गुना में 14 1008 चतुर्युग हो जाता है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन इतनी ही रात्रि होती है। तब तक इन तीनों लोकों पर स्वर्ग पृथ्वी और पाताल लोक पर ये प्राणी नहीं रहेंगे, ये सब अब वहां इसमें ब्रह्म लोक में रख दिए जाएंगे अलग से। तो ब्रह्मा का जो एक दिन इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन का एक दिन, एक महीना, 12 महीने की एक रात, एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक आयु होगी। अभी न गुणा करने लगे तो बात गुणियों बढ़ जा, 60,000 चतुर्युग का समझ लो एक महीना, 12 तो गुणा करे 12 सीख बेहतर, 7,20,000 चतुर्युग का एक वर्ष, और 100 तो गुणा करो 7 करोड़ प्रण कितने चतुर्युग का एक वर्ष, एक आयु होगी ब्रह्मा की। ऐसे ऐसे 7 ब्रह्मा मर जाएंगे जब एक विष्णु की मृत्यु होगी, और 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक इस त्रिलोकीय शिव भगवान की और पार्वती जी की भी दोनों की मृत्यु होगी। यहां परमात्मा कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुर लगे न कान न बहते वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी तेरी होगी ना, फिर भी अंत में मरना होगा, क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जिसका गीता जी के 4th अध्याय के 34वें श्लोक में और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10वें मंत्र में प्रमाण दिया है। वो सतगुरु लगे ना कान न बहते संतरे, सतगुरु खुद परमात्मा आते हैं, परमेश्वर वो नहीं मिले, या उनके द्वारा भेजा कोई दास तेरा उसका संत नहीं मिला, इस करके तेरी या जन्म मृत्यु इतनी लंबी भी आयु होगी तो भी अंत मृत्यु होगी। अब एक शिव मर गया त्रिलोकी, ऐसे 70,000 जब त्रिलोकीय शिव मरेंगे। अब देखो बुद्धिजीव बच्चे हो आप, तो आजकल अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लगे, अब ये उंगलियां पर उठवा दूंगा जब 5-10 सत्संग लगातार सुन लोगे तो। अब 70,000 त्रिलोकीय शिव ऐसे मर जाएंगे, तब इस ब्रह्म लोक में रहने वाला ये त्रिलोकीय शिव महाशिव, वो भी अपने तीन रोल रूप बनाकर रहता है, ऐसे अपने शरीर छोड़ता है, स्वयं ही धारण कर लेता है। उसने अपना एक पीरियड बना रखा, अपना एक समय निर्धारित कर रखा है। तो 70,000 जब त्रिलोकीय शिव मर जाएंगे, तब वो एक काल वहां अपना शरीर छोड़ेगा। इस एक ब्रह्मांड में बने वो सबसे ऊपर के श्लोक ब्रह्म लोक के भी ऊपर के हिस्से में रहता है, जहां तीन स्थान बनाकर रहता है। तो ऐसे ही अपना वहां स्थान छोड़ता, जब इस ब्रह्मांड में बिल्कुल विनाश हो जाएगा, ना ब्रह्म लोक रहेगा, ना यहाँ के ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक रहेंगे, ना ये लोक तो रहेंगे, प्राणी नहीं रहेंगे। तो ये एक उस ब्रह्मा का, उस परब्रह्म का एक युग होगा, परब्रह्म का एक युग होगा अक्षर पुरुष का। ऐसे 1,000 बार ये ब्रह्मांड में रहने वाला ये शिव मर लेगा, और 7 करोड़ बार ये त्रिलोकीय शिव मर जाएंगे, तब इस 21 ब्रह्मांड में पूरे के पूरे ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांडों में प्राणी नहीं रहेंगे, सब काल का भी विनाश पूर्ण रूप से, और सब चीज प्राणी इसको फिर उसका प्रब्रह्म के लोक में रखे जाएंगे। इतने ही समय तक वहां रात्रि रहेगी उस परब्रह्म की, और उसके बाद फिर इनको अगले दिन में यहां छोड़ा जाएगा। ऐसे उस परब्रह्म का एक दिन रात बन गया। उसी तरह फिर चलिए 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और उस परब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है। उस परब्रह्म की फिर वो युग बनकर उसकी 100 वर्ष की आयु है, और फिर वो अक्षर पुरुष भी मरेगा। वो अक्षर पुरुष वो परब्रह्म का भी विनाश होगा, उसकी मृत्यु होगी, फिर दोबारा परमात्मा ने वो सृष्टि क्रम अलार्म की तरह फिट कर रखा है। उस समय धूंधोकार का शंख बजेगा और ये सारे ब्रह्मांड और जितने ये सारे समाप्त हो जाएंगे, इनको फिर दोबारा परमात्मा इनको रच कर देगा। उसी तरह काल वही आत्मा होगी, दुर्गा भी वही होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश बदलते रहेंगे। ये इस तरह की सृष्टि क्रम, इसमें लिखा कि जो संत इस तरह के इस काल के
इस सब तरीके को बता देगा, वो सही काल के इस समय के जानने वाला है। गीता जी के 8वें अध्याय का 17वां श्लोक देखते हैं। इसमें क्या बताया है कि ब्रह्मा ब्रह्म का, ये परब्रह्म का लिखना, परब्रह्म का जो एक दिन है वो 1000 युग का अवधि वाला और रात्रि को वाला और रात्रि को 1000 युग, हाँ वाला और रात्रि को 1000 युग ही समझना इसको। ये चतुर्युग गलत लिखा, संस्कृत में चतुर्युग नहीं है, सेंसर युग है। जो पुरुष जो संत तत्व से जानता है वे योगी जन, वो व्यक्ति इस काल के तत्व को जानने वाले हैं, वो संत सही हैं, वो सब संसार को जानते हैं। और इसी में फिर आगे जाके बताया है, ये प्रमाण पूर्ण दिया इसके अंदर कि संपूर्ण चराचर भूतगण इस परब्रह्म के, ब्रह्मा का नहीं है, परब्रह्म के एक दिन के प्रवेश काल में डायरेक्ट से अर्थात परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की परब्रह्म की रात्रि से ही उसमें उस काल में प्रवेश, काल में उस अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। इवन ये तो जो है ना ब्रह्म अपनी बता रहा है, ये तो फिर अपने से ऊपर की अटकल लगाएगा, अपने लेवल का सी बता रहा, उसे ऊपर अटकल लगा रहा है कि उसके शरीर में नहीं, ये उस परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। आगे देखना, हे पार्थ वही यह बोध समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। ये परब्रह्म के बारे में जिक्र है। अब देखो दो यहां पर आपको भगवान और दिखाता हूं, परंतु उस अव्यक्त से उस अव्यक्त से परे दूसरा विलक्षण जो सनातन व्यक्त भाव है, अव्यक्त भाव है, उस परम देव पुरुष को सब भूतों के, जो सब भूतों के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता। प्रेम पूर्वक सुनना, देखो इसमें बड़े शिक्षित बच्चे भी आते हैं, पुराने भी भक्त हैं, नए भक्तों के लिए कथा सुना दी हमने। अब ये PhD की बातें हैं, जो बच्चे रोज आते हैं कथाएं सुनते हैं वो भी अच्छी हैं, उनको अब इनकी आवश्यकता है इन लास्ट की पॉइंटों का, जिससे आप बिल्कुल दृढ़ हो जाओगे, ज्ञानी मत बनना, लेकिन इस ज्ञान से आप डगमग नहीं होगे। ज्ञानी बनने के बाद भगवान रिजेक्ट कर देता है, ज्ञानी नहीं चाहिए हमने, जिज्ञासु, हमने जिज्ञासु रहना है, और जिज्ञासु होने के बाद फिर हम ज्ञानी बन जाए, वक्ता बन जाएंगे, वक्ता नहीं बनना हमने, वक्ता नहीं बनना, ज्ञानी बनना है, वक्ता नहीं बनना, क्षमा करना, ज्ञानी तो आपने बनना है कि ये अगर हम ऐसी गलती करेंगे ये हानि होगी, ऐसा नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। तो इसमें क्या है, क्या लिखा है कि परंतु उस अव्यक्त से, अब जिस परब्रह्म के लोक में ये सब आत्माएं 21 ब्रह्मांड विनाश होने के बाद चली जाती हैं, तो यहां बताया है कि परंतु उस अव्यक्त से परे दूसरा जो अव्यक्त सनातन अव्यक्त भाव है वह परम देव पुरुष, वो परमात्मा तो सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। वो सतलोक ब्रह्म बोल रहा है और परब्रह्म के विषय में जानकारी बता रहा है कि उस 1000 युग के बाद सब प्राणियों का विनाश हो जाता है, फिर उसमें उसके लोक में रख दिए जाते हैं। फिर कहता है कि उस परब्रह्म से भी एक और न्यारा अव्यक्त भाव है, वो दूसरा, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो सतलोक में पूर्ण परमात्मा के विष तरफ संकेत किया है। अब यहां देखिए तीन परमात्मा यहां भी सिद्ध होते हैं। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में दिया है, लिखा है कि ये मूर्ख लोग मेरे अटल उस अनुतम अव्यक्त भाव को नहीं जानते कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, अपने अभी यह बता दिया। अब यहां बताया कि वो अव्यक्त जो अब बताया परब्रह्म के विषय में, जो जिस अव्यक्त में ये 1000 परब्रह्म के एक हजार युग के बाद एक दिन पूरा होता है तो रात्रि प्रारंभ होती है, ये सब उसमें रख दिए जाते हैं परब्रह्म के लोक में, कहते वो दूसरे नंबर का अव्यक्त हो गया। इस अव्यक्त से भी जो दूसरा परम अव्यक्त सनातन अव्यक्त
भाव है वो कभी विनाश नहीं होता। तीन अव्यक्त शब्द हो गए। ये काल भी अव्यक्त है, ये तो जानबूझ के अव्यक्त है। ये किसी के सामने जो दो चीज विद्यमान है, साकार है, हमारी दृष्टिकोण की रेंज से, पहुंच से बाहर है क्षमता से, तो हम उसको अव्यक्त कहते हैं, उसको परोक्ष बोलते हैं। तो और परब्रह्म भी अव्यक्त है साकार ही, और तीसरा जो अव्यक्त प्रभु परमात्मा भी अव्यक्त है पूर्ण ब्रह्म, वो भी साकार है, वो हमारी दिव्य दृष्टि की रेंज से बाहर है, यहां जिस रूप में आता हम उसको पहचान नहीं पाते। कहती इस अव्यक्त से भी, दूसरे नंबर के अव्यक्त से भी जो दूसरा जो अन्य अव्यक्त भाव है, इस परब्रह्म से भी जो और भगवान है, वो कभी सब प्राणियों के भी विनाश होने पर भी कभी विनाश नहीं होता। 7-8 अध्याय का 20वां श्लोक है, और उसको अव्यक्त अक्सर इस नाम से कहा जाता है, अविनाशी अव्यक्त प्रभु इस नाम से कहा जाता है। उसी अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, उस अव्यक्त भाव को ही परम गति कहते हैं। वास्तव में परम गति तो वो है जो सतलोक में चले गए, वो फिर कभी मृत्यु नहीं। अब फिर इसमें क्या लिखा है, याम प्राप्य निवर्तते तत माम परमम तत धाम परमम मम। अब यहां क्या कहता है, काल के वो मेरा परम धाम। इनके अनुसार ये बनाए उन्होंने कि ये काल कहता है, गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि वो मेरा परम धाम है। नहीं, इसका फिर देखो, इसका अब पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे हो, इसमें क्या लिखा कि अव्यक्त अक्षर इति उक्त तम आहो परमाम गति। उसको जो तीसरे नंबर का अव्यक्त है पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष सतलोक में रहता है, उसको अव्यक्त अविनाशी अव्यक्त इस प्रकार कहा गया है। और फिर कहते यम प्राप्य न निवर्तते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, यानी उसमें जाने के बाद फिर दोबारा जन्म नहीं होता। तम तत धाम परमम मम, वो स्थान मेरे से श्रेष्ठ है। तत धाम परमम मम, वो जो स्थान है ना, वो परम धाम, वो धाम मेरे वाले तें परम है, श्रेष्ठ है। इन्होंने कर दिया कि वो मेरा परम धाम है। अगर हम ऐसे भी लें तो इस दृष्टिकोण से समझिए कि जैसे ये काल भी वहां से निष्कासित है, ये ब्रह्म भी वहां से निष्कासित है। अब ये कह सकता है कि मेरा भी परम धाम वही है। जैसे कोई व्यक्ति गांव में रहा करता है, सेठ, और वहां से अपनी सारी जमीन भी बेच दिया, घर भी बेच दिया, दिल्ली मकान बना दिया, वहां अपना बिजनेस कर रहा है, और 3 पीढ़ी जा चुकी है। वहां उसी गांव का कोई व्यक्ति उसने मिला तो वो कहने लगे उसके बच्चे तीसरे पीढ़ी वाले के, हम भी उस गांव के हैं भाई, तेरे वाले गांव के। और वहां उनकी कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, पर आज भी वो कह रहे हैं कि मैं, हम भी उसी गांव के थे, हमारा पुराना गांव वही था, और वहां उसका है कुछ नहीं। इस दृष्टिकोण से सोचे तो भी ये कह रहा कि मैं भी उसी, मेरा भी वही परम धाम है, पर इसका वहां है कुछ नहीं। और वास्तव में इसका अर्थ ये बनता है कि यम प्राप्य न निवर्तन्ते, निवर्तन्ते उस जिसमें जाने के बाद फिर जन्म नहीं होते। तत धाम, वो धाम परमम मम, वो मेरे द्वारे धाम ते, मेरे स्थान ते श्रेष्ठ है। परमम मम, वो मुझ से मेरे वाले ते श्रेष्ठ है। सीधा सार्थ ये बनता, पर इन उड़ जाए इतना रखा कहां तक सुन जावे, सोमन मिट्टी डाल दी एक घेरे कुए में, घेर कर सत भक्ति को, सदग्रंथों का अनुवाद मानरथ कर डाला इन कमजा ने। और ये धीरे धीरे, क्योंकि अब शिक्षित समाज आ गया, इसलिए मुझे बहुत सहयोग मिला है। अब पीछे आसाराम, श्री आसाराम जी के विषय में पेपर में निकलवाई थी दिल्ली में भी, तो फिर उसके बाद रिवाड़ी भी, वो उनका सत्संग था, वहां भी निकलवा दिया हमने। अब उद्देश्य ये नहीं हमारा हम किसी को भाई परेशान करें या किसी के साथ बदतमीजी करें, लेकिन एक मिसगाइड कर रहा है वो सबसे बड़ा दोषी व्यक्ति है। और सत हमारे सामने है, शास्त्र अपने सामने है, इनको देखो और इनको अगर हम गलती करें तो हमें फिर बताओ, हम उसको अपना सुधारेंगे। तो कहने का भाव दास का ये है कि सब संतों के विषय में समाचार पत्रों में दास ने निकलवा दी। यही प्रार्थना करते हैं कि या तो आपका जो मार्ग ठीक है
उसका इसका उत्तर दो, और नहीं है तो इसका सिद्ध हो गया कि तुम बिल्कुल फेल हो। तो इस प्रकार दास ये चाहता है कि अब सभ्य समाज आ गया ना, तो ये नाश करा देते हैं। सबको पता लग गया कि सब शिक्षित हैं और शास्त्र अपने पास हैं, अब कोई नहीं चल सकता, ना बुद्धिजीवी लोग उनको सहयोग देते हैं, तो इस प्रकार यह गाड़ी भगवान वाली ठीक चलेगी। अब ये सदभक्ति होगी, ये सारा संसार एक होगा, और फिर पश्चाताप करेंगे, भगवान हम कहाँ जा रखे थे। उस दिन की इंतजार है कि हम एक हों और एक भक्ति की, एक प्रभु की भक्ति करें। आज हम लौट रहे हैं एक दूसरे को, और लौट कर अब धनी बनना चाहते हैं, धनी नहीं बन सकते, सात जन्म नहीं बन सकते, दूना पाप चढ़े सिर पे, और फिर परमात्मा के चरणों में आएंगे, देखना आपको कितना सुख देगा, आपके घर में सुख, आपके तन में सुख, आपके काम में बरकत। एक बहन कह रही थी कि हमने वही ठेका गेहूं का, वो टैंकी प्रतिवर्ष भरा करते, और उसमें बीच में हमने और डालने पड़ा करते। अब पीछे एक बार हमने पाठ भी कराए, दो पाठ कराए उन्होंने, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति तीन चार दिन भोजन आहार करते रहे। उसके बाद भी कह रही थी जी, दो तीन मन गेहूं फिर भी बच गए, और जब तो वो सारा खाकर दो चार दस मन और खरीदने पड़ा करते। तो कहने का भाव ये, टैक्स जितना हम करते रहेंगे उतना ही आपको निर्णायक पता लगता रहेगा, जैसा आप करते रहोगे उतना ही आपको बेनिफिट आपके प्रत्यक्ष होता रहेगा। और ऐसे तो हजारों कहानी है कि मैंने 2000 रुपये दे रहे थे 5000 पाए, मैंने 500 रुपये दे रहे थे 1500 पाए, और कति 500 से अतिरिक्त एक नया पैसा हमारे पास नहीं था। एक भक्त बता रहा, देवेन बीछा, मैंने बताया था आपको कि उसके 12000 रुपये लोन ले रखे थे उसके पति ने 12 वर्ष पूर्व, और वो उसका अकाउंट कराने गई थी, उस कंप्यूटर ने उसको कहा तेरा नील अकाउंट, कोई बैलेंस नहीं। वो झगड़ रही है उनके साथ, तुम ढंग से बता दो फिर इसका 50000 बनाए पाओगे। मुझे फिर मैनेजर के पास पहुंचे, मैनेजर ने भी स्वयं उस कंप्यूटर में डाल के उसका नंबर निकाला, उसमें बैलेंस मिल पाया। तो उसने मैनेजर ने कहा बहन तू जा, सर ना खपाओ मेरे पे, तेरा कोई बैलेंस नहीं, लिख के दे दिया। अब बताओ परमात्मा ने बैंक वाले का भी पूरा कर दिया, और उसने अपनी बेटी का भी दुख दूर कर दिया। फिर वो कौवा आया हुआ था बिजली का बिल, अब उसने एक कमरा छापा बेचारी ने, वो भी एक विशेष एड दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से विशेष गरीबों को, उसके तहत बनाया, उसके कुआड़ से देना, और एक बिल भरना आ गया, वो बिल भरने का पैसा नहीं, तो उसने बिल में क्या बताया कि 700 कुछ रुपए आपके सरकार की तरफ और बकाया है। बिल इसमें 2 महीने का बिल भर के 700 और बाप का बैलेंस है, 2 महीने और मनवाने का आपके निकल जाएंगे। और रो और बतावे, और कहती मैं दूसरे को कहती हूँ तो वह नौका तुम दरोज नई बकवाद कराया करो, ये काम कभी हो सकता है ऐसा, और वो रो रही और बता रही। ऐसे ऐसे सैकड़ों केस, हजारों लाखों केस आपको बता दूं भगवान के, परमात्मा ऐसे काम किया करता है, प्रभु के यही गुण थे, पर हमारा उसे कनेक्शन ना हुआ था उस पावर से। अभी तक हमारे को वह संत ने डोंगी जिन्हें की करके लट कर तार बांध रखे, आगे कनेक्शन दे रखे, फिटिंग बढ़िया कर रखी, बात बढ़िया, गुण बहुत अच्छे गाजे, और ना वो स्वयं योग युक्त, ना उनके पास कोई पावर थी, अपनी भी बैटरी डिस्चार्ज हो रही थोड़ी बहुत सुख दे के। तो इस प्रकार ये गुमराह कर रखे थे। पुण्यात्माओं आपके भाग लगे हैं, अब तू की मत ना इस समय ने, धन है तुम्हारे माँ बाप ने, हर महीने इसी गर्मी में सर्दी में बहुत संख्या में आ रही है। अब पता लग गया कि आपको उद्देश्य का, मूल उद्देश्य का ज्ञान हो गया, और परमात्मा का आपके सिर पे हाथ हो गया, नहीं तो यहाँ आ नहीं सकता प्राणी, बुलाए तो भी नहीं आ सकता। ये तो मेहर प्रभु की, आपके पुण्य कर्म, आपके ऊपर घना राज्य हो गया भगवान, और ऐसे ही लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव सत साही। तो करो तुम बावड़ो, दोरे दोरे करो तो जाओ, जो राखो तो ही रहो, जो देव सुखा। अब गुण किए तो बहुत किए, करत नहीं हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतर। अब गुण मेरे बाप जी,
बक्सो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु के उपदेश का लाया जय, सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब करते खेचाताने, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी, चार खानी में ब्रह्मता कब हुन लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मारे सतगुरु के उपकारे। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।